खबर है मिर्जापुर से। आज दिनांक 9 जनवरी को नगर के साई गार्डन में भगवती प्रसाद चौधरी द्वारा रचित दीप जलता हूँ एकता का पुस्तक विमोचन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली के वरिष्ठ व्यंग्यकार सुल्तान भारती रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व प्रधानाचार्य आदर्श इंटर कॉलेज ब्रजदेव पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों को अंगवस्त्र एवं माला अर्पण करके दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार भोलानाथ कुशवाहा, वरिष्ठ साहित्यकार गणेश गंभीर, प्रवक्ता जुबली कॉलेज रामाकांत शुक्ल, वरिष्ठ साहित्यकार लल्लू तिवारी, वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार सलील पांडे रहे। कार्यक्रम में सभी के द्वारा दीप जलता हूँ एकता का पुस्तक के रचयिता भगवती प्रसाद चौधरी के लिखे पुस्तक की सराहना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खान। कुछ बोलने से पहले मैं ये बता दूं आपको, मैं आप लोगों की जो सामने बैठे हैं इनकी पीड़ा समझता हूं, किस तरह आप झेलते हैं उस दर्द से वाकिफ, और आप ही हम लोगों की दौलत भी है, जरूरत भी है। आप बैठे हैं तो हमारा बोलना सार्थक है, और आप जिस तरह करवटे में दब रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि किस तरह हमें झेल रहे हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं आपको, बस अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, बहुत आदमी जी के साथ माजरा चाहूंगा कि आपको भी पीड़ा नहीं होगी, किसी को नहीं होगी, बहुत कम वक्त लूंगा। तो रस्म दुनिया दिए मौका दिए दस्तूर भी है, इसलिए आदरणीय इस साहित्य मंचन, साहित्य चिंतन सभा के अध्यक्ष महोदय विद्वान ब्रजदेव पांडे जी, वरिष्ठ साहित्यकार माननीय अनुज प्रताप सिंह जी, रेणु जी, सलील जी, साहित्य सेवा एक बड़ी दुर्लभ विधा है, लेकिन समाज सेवा से सियासत और सियासत से साहित्य में आदरणीय भगवती प्रसाद चौधरी जी, रेणु जी, भोलेनाथ कुशवाहा जी, सलील जी, मंच संचालक जी, जो मतलब हम सब में रूह को बार बार जिंदा करते रहते हैं ताकि हम निराश ना हो, चलते रहें,